और औरैया में भी पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लोग वोटिंग कर रहे हैं। गांव की सरकार चुनने को लोग लेकर मतदाता जबरदस्त जोश में दिखाई दे रहे हैं। औरैया से आपको बता दें, तीन चरणों में वोटिंग जारी है और ऐसे में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग वहां पर खड़े थे अपने मतदान करने के लिए, अपने मत का उनको स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए गांव के जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो रोटियां हैं वो खाना भी बड़े स्वादिष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गैस सिलेंडर यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, उनको आज ही खाना बनाना पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हैं उनको, क्या समस्याएँ हैं उनके मन में, क्या भाव है, उनके यहाँ जो पोलिंग पार्टियाँ आई हुई हैं उनको किसी प्रकार के भोजन में कोई दिक्कत ना हो, एक जो मेहमानी होती है मेहमानी का भी उद्देश्य लोग लिए हैं मन में। भाव उनके अंदर यह है कि जो है जो बाहर के लोग आए हुए हैं तो गांव की छवि को अच्छी लेकर के जाएँ, तो वो तीनों और चार रसोइयाँ यहाँ पर बैठ करके खाना बना रही हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि गैस सिलेंडर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे वक्त खाना बना रहे हैं, उसमें कोई क्या दिक्कत आ रही, क्या नाम है आपका, खाना आप लोग बना रहे हैं, किस चीज़ बना रहे हैं, जब पार्टी आई सर उनके लिए खाना बना रहे हैं, तो मतलब खाए भी हैं अच्छे से, गाय नाम ले दिया, बनाने स्कूल गए थे तो हमें खाना अच्छा मिला, हमारा स्वागत किया। ये जो चूल्हा है ये गैस सिलेंडर नहीं है क्या स्कूल में? गैस सिलेंडर सब था और चोरी चला गया है, तो दूसरी व्यवस्था नहीं हो पाई, तो लकड़ी कहाँ से ले आते हैं, बाजार से ले आते हैं या गांव से? बाजार से। कहीं ना कहीं जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी मेहमानी को लेकर के, उनके स्वागत को लेकर के गांव की जो रसोइयां हैं काफ़ी सजग दिखाई दे रही हैं, उनका ये कहना है कि जो अच्छा भोजन करके यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से गाँव का नाम लेंगे, गांव के बारे में वो सोचेंगे, कई जगह जाकर के यहाँ पर रसोइयों का जो तारीफ भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं से इनके मन में एक भाव भरा हुआ है कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो किसी प्रकार से उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सुरेश स्मिथ, इंडिया न्यूज़, औरैया।